नमस्कार, कर्व हिडन टैलेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ में दाल ढोकली या दाल टिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यूपी की काफ़ी फेमस रेसिपी है ये। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टच करें, जिससे कि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दाल ढोकली की रेसिपी। दाल ढोकली बनाने के लिए लेनी है तूर दाल, पीली दाल जिसे या अरहर की दाल भी कहते हैं। इसे धो लेना है और धोने के बाद में थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रखा था मैंने। अब इसे कुकर में डाल करके पका लेंगे। तो पकाने के लिए मैंने इसको सारा कुकर में डाल दिया है। अब इसके साथ में आधा चम्मच हल्दी और 1.5 से 2 चम्मच नमक यूज़ करेंगे। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और लगभग 2 सीटी तक में दाल को पकने देंगे। जब तक दाल पक रही है तब तक टिक्की के लिए आटा गूंथ लेते हैं। मैंने 2 कप आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है जिससे मैं आटे में भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, और ज़रा सी हल्दी ऐड करिए। अब इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। बहुत सॉफ्ट या बहुत हार्ड हमें डो नहीं रेडी करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट जैसा कि वीडियो में शो किया हुआ है। डो को 2 से 3 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। डो सेट हो गया है, अब इसकी गोल गोल रोटियाँ बना लेते हैं। उसके बाद भी किसी भी गोल शेप के कटर से, कटोरी, ग्लास या जो भी आप चूज़ करें, आप उससे इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में करके आपको दिखाऊंगी। ये रेसिपी बहुत अच्छी और हेल्दी रेसिपी होती है और यूपी में काफ़ी फेमस है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप दाल ढोकली परफेक्टली बना पाएँ। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दाल ढोकली ढंग से नहीं बना पाते हैं, या फिर उनकी जो ढोकली होती है वो सही से परफेक्टली नहीं बन पाती है। तो ढोकली के लिए चपाती बस इतनी ही मोटी रखनी है। अब इसे मैं ग्लास से कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कटर ऐसा नहीं है जिससे मैं कट कर पाऊँ, तो मैं इसे ग्लास से कट कर रही हूँ। अब इसमें जो एक्स्ट्रा डो है वो हम हटा देंगे, और इसे मैं डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते हैं आप, और या कोई शेप दे सकते हैं जैसा कि मैं शेप दे रही हूँ। इसे बस 3 फिंगर्स का यूज़ करके इस तरीके से शेप देना होता है। मैं इसको बार बार आपको करके इसीलिए दिखा रही हूँ जिससे आप आसानी से इसको बना पाएँ, एक हाथ में पकड़ करके, और बस 3 फिंगर्स से आपको इसको प्रेस कर देना होता है जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इसी तरह से सारी ढोकलियाँ हम बना करके रेडी कर लेंगे। तो है ना ढोकली काफ़ी इजी, इसी तरह से बाकी सारी ढोकलियाँ रेडी कर लेंगे। और ढोकलियाँ मेरी रेडी हो गई हैं और दाल भी इसी बीच मैंने चेक की थी तो वो पक गई है। अब दाल के लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। दाल के लिए तड़का के लिए मस्टर्ड ऑयल लेना है, उसमें ज़रा सा हींग एक चुटकी डालना है, और उसके साथ में लगभग थोड़ा सा जीरा डालना है, और उसके साथ में लहसुन और हरी मिर्च और प्याज डालना है। 1 प्याज लगभग मैंने यूज़ किया है। अब इन सबको थोड़ा सा लाइट पिंक होने देंगे। तड़का हो गया है, अब इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, आमचूर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिए, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आधा आधा चम्मच ही यूज़ की हैं। अब मसाले को थोड़ा सा पकने देते हैं। जब मसाला पक जाएगा तो इसमें पकी हुई दाल जो पहले से पका करके रखी थी अब उसे इसमें ऐड कर देंगे, और 1 कप पानी ऐड करेंगे और दाल को बॉयल होने देंगे। दाल बॉयल होने लगी है, अब इसमें सारी ढोकलियाँ जो हमने बनाई थी वो एक एक करके ऐड कर देंगे। धीरे धीरे से डालनी है, बहुत ज़्यादा हमें फास्ट नहीं डालनी है। सारी ढोकलियाँ डाल दी हैं और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे जिससे कि ढोकली आसानी से पक जाए, और थोड़ा सा इसे चला देते हैं जिससे कि नीचे से ये ना लगे। थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे ढक करके पकाएंगे। 5-10 मिनट हो गए हैं और ढोकली लगभग पक गई है, अब इसे चेक कर लेते हैं। वाओ, ढोकली तो पक करके रेडी है। आप अगर चाहें तो इसे 1 चम्मच में निकाल करके मसल करके चेक कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और ज़रा सा इसे अच्छे से चला देंगे जिससे कि हरा धनिया अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। मैंने तो अपनी दाल ढोकली बना करके रेडी कर ली, तो फटाफट से आप भी अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करिए।
आज की आपको दाल ढोकली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन पर टच करिएगा जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के रेसिपी में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।